और आइए अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे। तीन क्लास या अगर स्पीड, आज की क्लास तो थोड़ी छोटी हो गई, बट तीन क्लास में आराम से खत्म करा दूंगा। ठीक है बच्चों, और हमारे चैप्टर का नाम है सेट ऑफ, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ठीक है जी, तो ये चैप्टर बच्चे आपको एक बात बताता हूँ, ये ना ऐसा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में ये 6-7 नंबर 8 नंबर का इसका क्वेश्चन आ जाए, तो इम्पोर्टेंट रहता है ये चैप्टर। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये 4 to 8 मार्क्स का आ सकता है, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना अगर मैंने 4 to 8 लिख दिया, आएगा ही आएगा। इनकम टैक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे प्रोविजन है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ना दिखे, समझ रहे हो। ठीक है जी, तो कुछ भी चलता है भाई, ये जो 60 नंबर के अंदर ना इन्होंने कंटेंट बहुत सारा डाला हुआ है, तो लेकिन अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आ गया तो बेटा इस पे नंबर गवाए नहीं जाते, समझ रहे हो। यहाँ पे ये फिर स्कोरिंग पार्ट होता है कि इसमें तो हम लोग को करना ही करना है। ठीक है जी, आइए अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को बताओ हमारे 5 हेड्स जो हैं, एक है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, PGBP, और मान लो सैलरी में 100 रुपए कमा रहा हूं, इसमें 150, इसमें 50, इसमें 70, इसमें 20, मेरे को बता दीजिए मेरी GTI कितनी आ गई। 390। मान लो चैप्टर 6 है, कुछ भी नहीं है, तो टोटल इनकम टैक्स किस पे लगेगा? 390। आइए अब जरा जिंदगी में थोड़ा सा और एडवांस बातें करते हैं। सैलरी में लॉस हो सकता है क्या? सबसे पहला पॉइंट, देयर कैन नॉट बी अ लॉस अंडर द हेड। सबसे पहली बात तो ये प्रोविजन है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम बोलो सर मेरी सैलरी है 10,000 की, लेकिन मैं गाड़ी से जाता हूँ, मेरा 15,000 का खर्चा हो गया। बेटे वो जो गाड़ी से आप जा रहे हो उसकी डिडक्शन ऑफिशियल लेवल पे मिलती है क्या आपको? नहीं मिलती। जब तुम सैलरी पूरा पढ़ रहे हो तो तुम एक्सपर्ट लेवल पर भी पढ़ रहे हो, तो सैलरी के अंदर मैक्सिमम वो जो डिडक्शन मिल रही थी वो 3 थी ना सेक्शन 16 की, क्या उसकी वजह से लॉस बन सकता है? नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात क्या सर, सैलरी में लॉस हो सकता है? सैलरी में लॉस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरा आपसे सवाल, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लो 4,000 रुपए का नुकसान, लेकिन कैपिटल गेन में मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट है, PGBP में 30 रुपए का नुकसान है, अदर सोर्स में 40 की इनकम है। मेरा आपसे सवाल, आपकी GTI कितनी आ गई? सैलरी को 20 रुपए मान लो कि 20 है तुम्हारी सैलरी, जरूरी नहीं है हर हेड में आपकी इनकम होनी चाहिए, लेकिन मान के चलो अगर ऐसा है तो ये है बच्चा। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है? 90। तो आपका GTI आ गया है 90, चैप्टर 6 से मान लो कुछ भी नहीं लिया तो टोटल इनकम कितनी? ये आपका गलत। अगर ऐसे हो जाता ना तो ये चैप्टर अभी ओवर था, चैप्टर खत्म था, क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ टोटल कर दिया ना और नेट बैलेंस लिख दिया, खत्म हो गया मतलब चैप्टर। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको किसने बोला, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है किससे सेटअप करा आपने? ये -40 किसी ना किसी इनकम से ही कर दिया ना, किससे करा? पहले से कोई बच्चा सैलरी बोल सकता है 20 की, कोई बच्चा भी कह सकता है कैपिटल कैसे कर दिया। दूसरी बात तो इसके बारे में किससे करा ये कैसे पता लगेगा? ये 30 रुपए की PGP इनकम ये किससे करी?
ये भी नहीं पता सर। तो हाउस होल्ड में पहली लॉस है, ठीक है, कैपिटल गेन। तो बच्चा बोल सकता है 10 सौ से कर दी सर मैंने। तो एक सिस्टम है, ऐसे नहीं है कि आपने बस इसका टोटल करा और एंड में आंसर लिख दिया, समझ रहे हो। एक सिस्टम सिखाया जाएगा कि भाई साहब किस तरीके से लॉस कैसे सेट ऑफ होगा। और आप अगर चैप्टर का नाम सुनोगे तो चैप्टर है सेट ऑफ। पहले मैं आपको सिखाऊंगा सेट ऑफ करना। एक बात बताओ, अगर ये लॉस 3000 का होता तो ये सेट ऑफ हो जाता क्या सबसे? नहीं। तो अगर ये नहीं होगा सेट ऑफ क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है, तो इसको आप क्या कर दोगे? और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद क्या करोगे बेटे? आप चैप्टर का इंटेंशन समझ रहे हो? एक पोर्शन है सेट ऑफ, अगला पोर्शन है कैरी फॉरवर्ड है। क्लियर है जी? तो सर सबसे पहले मैं आपके साथ बातें करूंगा सेट ऑफ की। आ जाओ बच्चे, सेट ऑफ के अंदर दो लेवल पर सेट ऑफ हो सकता है। एक इंट्रा हेड, इंट्रा हेड होता है अपने ही हेड में, इंट्रा बोले तो विद इन दी सेम हेड। बेटे अपने ही हेड में ऐसा हो सकता है, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस हो, बिल्कुल हो सकता है। मेरे दो घर है, एक पे लॉस में प्रॉफिट, मेरे दो बिजनेस है, एक प्रॉफिट में चल रहा है एक लॉस में चल रहा है, तो इंट्रा हेड देखूंगा पहले। उसके बाद अगर अपने ही हेड में मदद नहीं मिली तो मैं किसके पास जाऊंगा बच्चे? इंटर हेड, दैट इज दूसरे हेड के पास जाऊंगा कि भाई तुम्हारे पास कुछ प्रॉफिट है तो मेरे लॉस को सेट ऑफ कर दो। अच्छा एक बात बताओ, लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, पहले तो ये बताओ। ये कह रहे हो सर लॉस है बेकार है छोड़ो, सरकार को बताओ ये डिटेल, ऐसा है क्या? हाँ अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? मान लो मेरे को नुकसान हुआ है, छोड़ो ना, दिखाता ही नहीं, जीरो कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। इसमें आपको फायदा है कि नुकसान है? क्योंकि बेटा अभी जो इनकम है वो तो एक्चुअल रेट पे होगी ना, अब यही लॉस को तुम से सेट ऑफ करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? तो आप जरूरत समझो लॉस को पकड़ के रखने का, क्योंकि लॉस जो है वो इनकम को खा जाएगा, इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स अपने आप कम हो जाएगा, तो लॉस का भी अपना फायदा है, लॉस होने से टैक्स में बचत होती है सर, सही बोल रहा हूँ ना? तो या तो इंट्रा हेड है या फिर इंटरनेट होता है बच्चे अगेंस्ट एनी अदर। बस कहानी बन गई अपनी, आइए अब हम सबसे पहले, और ये सीक्वेंस है बच्चे लाइफ में भी, सबसे पहले आप इंट्रा हेड ट्राई करोगे और उसके बाद क्या ट्राई करोगे बच्चे? इंटर हेड। अब हम शुरू कर रहे हैं इंट्रा हेड के प्रोविजन, और मैं हेड वाइज बात करूंगा सैलरी। सबसे पहला हेड है हमारा सैलरी। सर जी क्या ये सवाल सही है, सैलरी का लॉस या सैलरी की इनकम से सेट ऑफ? नहीं सर जी ये सही नहीं है, क्योंकि there cannot be a loss under the head clear hai bachche? salary mein to loss nahi ho sakta bhai, koi tension wali baat hi nahi। अब मैं आ रहा हूं आपके पास हाउस प्रॉपर्टी। बेटे मैं किसी और हेड के पास नहीं जा रहा, मैं भी इंट्रा हेड की बातें कर रहा हूं। मान लो मेरे दो घर हैं, एक घर पे मुझे किराया आ रहा है क्योंकि मैंने हाउस प्रॉपर्टी वन को मान लो लेट आउट करा हुआ है, मेरे को किराया आ रहा है 6 लाख रुपए का। एक घर में मैं खुद रह रहा हूं, और उसको क्या बोलते थे बेटा जिसमें खुद रह रहे? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, कई बच्चों को जिनको नहीं पता हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जिस घर में आप खुद रह रहे हो, और ऐसा हो सकता है ना बेटे जिस घर में आप खुद रह रहे हो आपने लोन ले रखा हो उस पर,
क्योंकि आपको कंस्ट्रक्ट करना था तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा हाउस रेंट की बात याद आ रही है। तो अगर मैंने इंटरेस्ट पे करा हुआ है 1,00,000 रुपए का, तो मेरा तो लॉस आएगा ना, क्योंकि भाई साहब सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर जीएबी नील होती थी। ये सारी डिटेल्ड बातें मेरे को यहाँ नहीं करनी, लेकिन आप सिर्फ इतना समझो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस भी हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए मेरा फाइनल इनकम अंडर दी एड हाउस प्रॉपर्टी कितना है? क्लियर है बच्चे? सर तो ये मैंने क्या कर दिया, 1,00,000 को किससे सेटअप कर दिया? 6,00,000 से। इसको क्या बोलूंगा मैं? इंट्रा। ठीक है जी, दूसरी बात पर आ जाओ। सर हाउस प्रॉपर्टी है एक, हाउस प्रॉपर्टी 1, लेट आउट 3,00,000 का नुकसान। ओ माय गॉड, लेट आउट की प्रॉपर्टी में भी नुकसान, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। मेरे को किराया आ रहा हो 6,00,000 और मेरा इंटरेस्ट जा रहा हो 9,00,000, तो 3,00,000 का लॉस हो सकता है। और जो हाउस प्रॉपर्टी 2 है, मान लो वो भी लेट आउट है सर, मेरे 2 घर भी तो किराए पर हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? उसमें मेरे को 4,00,000 की इनकम आ रही है। बेटे कितने की इनकम आ रही है बच्चे? कहने का मतलब ये है अपने ही घर में सेटअप हो जाएगा। क्लियर है जी? और एक बात बताओ, अगर ये 3,00,000 होता और ये 1,00,000 की इनकम होती, 2,00,000 का लॉस, तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं एक बार बताता हूँ। अभी के लिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, नहीं यहाँ पे अभी है। चलो ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन बाद में बताऊंगा। कितना आ रहा बेटा आपका? -2,00,000। आप मुझे बताइए इस -2,00,000 का क्या करूंगा? आई विल ट्राई फॉर, मैं इंटरहेड की बातें नहीं करूंगा, पर अभी आई विल ट्राई फॉर इंटरहेड। और अगर दूसरे हेड बेकार जीरो है सारे, तो क्या करूंगा? अगर इंटरहेड नहीं हो पाई तो कैरी फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। अगर ये 2,00,000 अपनी हेड में नहीं हुआ तो मैं इंटरहेड ट्राई करूंगा, मैं अभी इंटरहेड की बातें नहीं करनी। और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है जी? तो हाउस प्रॉपर्टी की सेटल्ड है बात आपकी जिंदगी में। आइए अब आते हैं जी हम पीजीबीपी बिजनेस। बेटा पीजीबीपी अपने में समुंदर है, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ पीजीबीपी ना आपके जो बिजनेसेस है उसको 3 कैटेगरी में बांटेगा। एक बांटेगा बच्चे स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव होता है कि भाई जिसके अंदर लक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मतलब जैसे मान लो हमने टॉस करा और आज टॉस करा कि अगर हेड आया तो बीजेपी जीतेगी, टेल आया तो आम आदमी पार्टी, समझ रहे हो? तो मुझे बताइए ये स्पेक्युलेटिव है कि नहीं, और 1-1 करोड़ की शर्त लगा लिया, ये स्पेक्युलेटिव है कि ये मेहनत वाला बिजनेस है? स्पेक्युलेटिव। हालांकि स्पेक्युलेटिव की डेफिनेशन लाइफ में और अच्छे से भी करवाऊंगा, अभी आपको नहीं जाना, अभी हमें सेटअप के प्रोविजन पढ़ने। तो स्पेक्युलेटिव होता है भाई जैसे टॉस करके कोई चीज हो गई, ठीक है। ये दूसरा होता है नॉन स्पेक्युलेटिव। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस ये होता है जैसे जो मेहनत का काम होता है, जैसे आप कह सकते हो कोई जूस की दुकान चला रहा है, गोलगप्पे की दुकान चला रहा है, रेस्टोरेंट, एयरटेल, रिलायंस, सारे बिजनेस जो मेहनत पे चल रहे हैं, स्किल्स पे चल रहे हैं, वो क्या हो गए बेटा? नॉन स्पेक्युलेटिव। और एक बिजनेस होता है 35AD। सर ये 35AD क्या होता है? ये हम पीजीबीपी में पढ़ेंगे, इसके ऊपर 1.5 क्लास लगेगी आपकी। ये ना कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, दीज आर दी स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस बोले तो अगर आप ये वाले बिजनेस करते हो, ये कौन से बिजनेस है? देखो गवर्नमेंट को ना, आपको ध्यान है 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ हुआ था, उस टाइम पर ना आपको क्या लग रहा है, बस स्टेडियम तैयार कर दिया और हो जाएगा कॉमनवेल्थ? बाहर के लोगों के रिलेटिव आएंगे देखने, उनके फैंस आएंगे इंडिया देखने, क्या होटल प्रॉपर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो सरकार ने 2010 में देखा कि भाई साहब अगर इतने सारे लोग दिल्ली शहर में आ गए, इंडिया में आ गए, तो भाई रहेंगे कहाँ पर? तो सरकार ने 35AD में डाला कि आप 3-स्टार होटल स्टार्ट करो या उससे ऊपर स्टार्ट करो, आपके स्टार्टिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं बेनिफिट के बारे में बात नहीं करूंगा, 35AD में बात करूँ, ठीक है।
तो सरकार को जब भी किसी बिजनेस की जरूरत पड़ती है, उसको लगता है कि यार लोगों को बोलना चाहिए कि ये बिजनेस करो, तो वो उसको 35-80 में कभी कभी डाल देती है। उससे क्या होगा मुझे बताइए, लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो इसके अंदर कौन सा बिजनेस है हमें अभी नहीं देखना, लेकिन आप ये समझो इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसमें कुछ अलग ही बेनिफिट इन्वॉल्व, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ प्रोविजन। मान लो मेरा कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है, हेड या टेल खेलता रहता हूँ बेटा मैं शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद, और मुझे कितने का फायदा है बेटा? 150। नॉन स्पेकुलेटिव इंस्टीट्यूट से अगर मुझे, वैसे तो ब्रेक इवन पर है पर मैं लॉस दिखा देता हूँ, ठीक है 70 रुपए का लॉस चल रहा है, और स्पेसिफाइड मेरा अभी नहीं है। मैं पहले आपको प्रोविजंस दिखवा देता हूँ फिर आंसर देना। लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस ओनली। ओके, यानी कि स्पेक्युलेटिव का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव की इनकम से सेट ऑफ। अच्छा जी, लॉस ऑफ 35 AD कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ 35 AD, यानी कि 35 AD का लॉस सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा बच्चे? 35 AD कहेगा बेनिफिट है सर। बेटे जिंदगी में अभी और पढ़ेंगे तो बेनिफिट देखेंगे आपको 35 AD के, लेकिन लॉस ऑफ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम 35 AD। बोले तो इसको तो तीनों जगह से बेनिफिट मिल जाएंगे। स्पेक्युलेटिव को सिर्फ कहां से फायदा मिलेगा? अपने यहां से, 35 AD को अपने यहां से, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से इससे सेट ऑफ हो जाएगा। सेटल्ड है जी बात? आंसर बता दीजिए। 70 का लॉस सेट ऑफ कर दूं क्या 150 से? कर दूं? बिल्कुल सर जी। तो आपकी PGBP इनकम कितनी आ गई बेटे? स्पेक्युलेटर माइनस 70, 150 माइनस 50 माइनस 70 कर दो माइनस 50 कर से कर दो। तो ये तो इसका मतलब इनकम तो कह सकता हूँ 150। और बेटे रही बात 70 की और 50 की, तो मैं भूलूंगा नहीं उसको। 70 और 50 का जो लॉस है, अभी आप अभी छोटे हो, अभी आपको यही बोलूंगा सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा? इंटरहेड। दोनों के लिए पहले ट्राई करूंगा इंटरहेड, और अगर नहीं हुए तो सेटल्ड है ना बात? इंटर में नहीं, इस साल तो किसी साल का ही होता है। अगर ये मान लो अभी जो साल है ये 21-22 का साल है, 21-22 से मैंने ये कमाया, तो ये 70 तो मेरे हेड में तो है ना, प्रोविजन नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, अगर ये 100 होता, ये 70 होता और नुकसान होता 170 का, अब क्या करता रे? ये हो जाएगा क्या दोनों में से किसी से भी? आपको जिससे करना आप उससे कर सकते हो, इसके ऊपर कोई रूल नहीं बना हुआ कि भाई पहले किससे करना है किससे नहीं करना, आपकी मर्जी है। आप मुझे बताइए आपकी PGBP इनकम कितनी आएगी, मुझे बता दो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? और क्या कर सकते हो? माइनस 100, 150,
हाँ जी माइनस 100 150 और टैरिफ मतलब माइनस 50 कहिए कितनी इनकम लग रही है और रह क्या गया 100 रह गया ना ऊपर वाला और इसको क्या करूंगा पहले तो मैं इंटर ट्राई करूंगा नहीं होगा तो कहिए जरा क्लियर है एकदम बच्चे गुड तो अभी नोट कर रहे हो या yes, sir. एक बार अच्छा कर रहे हो स्टार्टिंग से करना है या माइनस क्लियर है दोस्त सर और बताओ इसमें सर क्या है बस बेटे अगला हेड हमारा है कैपिटल सर चौथा है कैपिटल गेन्स आप में से किसी का बड़ा भाई है गोविंद का ना क्या स्टेटस चल रहा है बन गया सी बड़ा भाई बस क्या क्या बन गया बिजनेस में घुस गया अजिंत का बड़ा भाई हाँ अभी ठीक है तो एक चीज पूछता हूँ और गोविंद कौन से स्कूल में था एमिटी मैंने भी नया को एमिटी में डाला सही है ना स्कूल अब तो बस अब शिफ्ट हो जाएगी एमिटी में स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो सपोज कर गोविंद का सपोज करो गोविंद का झगड़ा हो गया स्कूल में एमिटी में नया के साथ ठीक है तो गोविंद का झगड़ा हो गया तो अगर गोविंद तुम्हारा झगड़ा हो जाता है तो बड़े भाई को बुलाओगे तेरे हिस्से संभाल लूंगा आदित्य क्या बोलेगा दोस्तों को मेरा भाई सीए भी देख लेंगे अकेले संभाल लेता मुझे यही उम्मीद थी तेरे से सपोज कर 100 लोग खड़े हैं सामने फिर भी नहीं बुलाएगा जिसने बुलाया ना उसको मारूंगा एग्जाम्पल कैसे बढ़ाऊंगा मैं एग्जाम्पल में बुलाना था तेरे को ठीक है तो अगर जैसे होता है कि जो छोटा भाई होता है छोटा भाई पता है किसको कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म को कैपिटल गेन के अंदर दो चीजें होती हैं एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म तो मान लो बेटे गेन हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है तो 100 रुपए का नुकसान चल रहा है तो ये छोटा भाई क्या बड़े भाई के पास जा सकता है मदद मांगने कि भाई अपनी इनकम दे दो सेट ऑफ हो जाएगा मेरा जिंदगी में गोविंद जी बड़े भाई के पास जाओगे अरे नहीं सुबह से तो मैं भी संभाल ही लूंगा मैं तो बेटे सीधा जाऊंगा बड़े भाई ठीक है तो अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे भाई को मदद चाहिए कि भाई मुझे इनकम मिल जाए सेटअप हो जाए मुझे बताइए क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पास जा सकता है जी हाँ बिल्कुल जा सकता है छोटा भाई बड़े भाई के पास जा सकता है लेकिन सपोज करो बड़े भाई का झगड़ा हो गया स्कूल में क्या वो छोटे भाई के पास जाएगा बचा ले मुझे एक मूवी थी उसमें वो जाता है टाइगर श्रॉफ की थी ना उसका बड़ा भाई बागी थ्री देखिए बागी थ्री ठीक है तो मान लो बड़े भाई का झगड़ा हो जाए बड़े भाई नुकसान में चला जाए
क्या वो छोटे भाई के पास जा सकता है? आंसर इज नो। तो कितनी इनकम लिखूं? कहने का मतलब ये है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का लॉस अगर मैं लिख दूं यहां पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, इससे सेट ऑफ होगा जी लॉन्ग टर्म कैपिटल, बट क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ? नो, कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसके पीछे जो रीजन है जिंदगी में और क्लियर होगा। ऑब्वियस बात है छोटे भाई बड़े भाई का लॉजिक नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ टैक्स रेट्स होते हैं और लगेंगे लाइफ में, तो वो आपको पता लगेगा। तो अभी के लिए तो आपको याद करके चलना कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म वाला जो है उस पर नहीं जा सकता। क्लियर है बच्चे कैपिटल गेंस? तो अच्छा एक बार एक दो एग्जाम्पल ऐसे बना लो। अगर ये 400 है और ये 600 है, कितना 400 रही बात 600 की? मैं भी बता नहीं रहा आपको क्या रीजन है, लेकिन मैं इंटरहेड को लिख के काट रहा हूं, आपको भी लिखकर काटना है। आधे घंटे में आपको समझ आ जाएगा क्यों करा है। ये सिर्फ और सिर्फ फिर क्या हो जाएगा कैलकुल, रीजन हम लोग बाद में जाने, ठीक है बच्चों? कैपिटल गेन क्लियर है? ठीक है जनाब, आखिरी है बेटा अदर सोर्स। सर अदर सोर्स के अंदर क्या कहानी है? अदर सोर्स में ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इनकम्स भी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉटरी इनकम, आप मुझे बताइए ये हम लोगों ने अदर सोर्स में करा भी है लॉटरी का इनकम या लॉटरी का लॉस? मुझे बताइए लॉटरी लॉस कैन बी सेट ऑफ, ये क्वेश्चन मार्क डाल, क्या हो सकता है सेट ऑफ? नहीं हो सकता। ये मैंने आपको अदर सोर्स में लिखवाया है। अगर तुम लॉटरी में खेल रहे हो और मान लो तुम्हें एक लॉटरी से, जैसे एग्जांपल बना देता हूँ छोटा सा, मैंने दो लॉटरी खेली, लॉटरी वन लॉटरी टू, 100 रुपए का नुकसान, 150 की इनकम, इनकम कितनी आएगी लॉटरी की? भाई साहब ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। और भी मैंने कई चीजें बताई थी, सरकार डिस्करेज करती है, 30% पे टैक्सेबल होता है, स्लैब रेट बेनिफिट भी नहीं मिलता, रिबेट के लिए भी एलिजिबल नहीं होता, किसी के लिए डिडक्शन भी नहीं मिलती इसके, है ना? सारी बातें करी है ना हमने। तो एक लॉटरी की बात होगी, एक होता है रेस हॉर्स। तो ये जब लॉटरी कर रहा हूं ना मैं, लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड, पजल्स, हालांकि रेस हॉर्स भी ऊपर था, बट सेट ऑफ के लिए अलग ट्रीटमेंट है उसका। अगर आपका रेस हॉर्स का बिजनेस है तो लॉस फ्रॉम रेस हॉर्स बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ रेस हॉर्स ओनली। रेस हॉर्स में अगर बच्चे मेरे को एक, इसमें भी चलो इतना ही है वैसे तो, रेस हॉर्स स्टेटों के अंदर भी अलग अलग बिजनेस होते हैं, बट उस केस में नहीं आते, वो जब आप प्रैक्टिस करो तो आपके सामने आएगा। मान लो मैंने रेस हॉर्स के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा हुआ है, दिल्ली दिल्ली शहर में दो लेवल पे चल रहा है, रेस हॉर्स में एक बिजनेस में तो मुझे लॉस हो रहा है और एक में मुझे इनकम है। मुझे बताइए रेस हॉर्स में क्या ये लॉस 150 से सेटअप हो जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल हो जाएगा सर, तो ये आपका सेटअप हो गया, ठीक है बच्चे। इसके अलावा एक दो बातें और हैं, इसके अलावा आप ये कह सकते हो अदर इनकम, अदर इनकम होगा गिफ्ट,
डिविडेंड, फैमिली पेंशन, पार्लियामेंट से जो पैसा मिलता है, बहुत सारी बातें है भाई साहब अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या है, लॉस फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स आप समझ रहे हो बाकी अदर इनकम के, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर इनकम। मेरी भावनाओं को समझो, अगर आपको इसके अलावा और कोई भी इनकम है, अगर उसमें लॉस है, तो वो क्या इन्हीं इनकम से कोई कोई भी और इनकम ऊपर की दो को छोड़ के उससे सेट ऑफ हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है जी, ये डिटेल्ड में अभी एक टेबल भी बनाऊंगा तो आ जाएगा, तो अभी लिख सकते हो लॉस फ्रॉम अदर सोर्स कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर सोर्स, से लिख दो। चलिए बढ़िया जी, तो कुल मिलाकर आपको इंट्रा हेड अभी समझ आ रहा है। अब मैं आपके पास जा रहा हूँ इंटर हेड के ऊपर, और हम लोग फिर क्वेश्चन, कितनी बुक्स है अभी हमारे पास यार? एक सोनम के पास कितनी है अभी? हमें ऑर्डर करनी है, पक्का से करी गया ना ऑर्डर? हाँ सर, और किसके पास है? संजय की बुक है, घर पर है, माइनस की आज ऑर्डर कर लो। ठीक है, बुक ना साथ रखोगे ना स्पीड बन जाती है फटाफट। ठीक है आइए, तब तक मैं ऐसा करता हूँ, मैम को दे देता हूँ, एक बार देखता हूँ फाइल मेरे पास पड़ी है सेट ऑफ की। बच्चे ऑनलाइन में भी ना सारे बच्चे प्लीज मतलब बुक रख लो भाई अपने पास ना, शेयर कर। चलिए गुड, तो सर जी ये हो गया हमारा इंट्रा हेड का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इंटर हेड की। इंटर हेड बोले तो मैं दूसरे हेड के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई मेरे को मेरे हेड से तो मदद मिली नहीं है, तो यार तुम्हारे पास कुछ इनकम है तो दे दो, हम सेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये होता है इंटर हेड। तो आइए जरा हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी भाई दूसरे हेड के पास जाएगा क्या? सर जी ये सवाल ही गलत है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि भाई साहब लॉस ही नहीं, सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप दोबारा लिख सकते हैं, देयर कैन नॉट बी अ लॉस अंडर द हेड सैलरी। अब मैं आ रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी पे, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी लिखाऊंगा। क्या हाउस प्रॉपर्टी, मेरा आपसे सवाल है, बाकी हेड के पास जा सकता है? बाकी हेड बोले तो कितने हेड रहेगा बेटा? तीन या चार? चार है, चार। तो टोटल तो पांच है। क्या नहीं सैलरी क्यों चला गया? सैलरी के अंदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है। तो क्या मैं सैलरी के पास जा सकता हूँ मदद मांगने? बिल्कुल जा सकता हूँ। क्या मैं पीजीवीपी के पास जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। कैपिटल में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि लैंग्वेज में भी लिख देते हैं,
लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं जिससे सरकार ने बहुत ही स्मार्टली कुछ खेला और वो ये लिखा मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड cannot exceed 2 lakhs per annum. Oh my god. आपको अभी इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बट इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं. मैं आपको बताता हूं कैसे. पहले एग्जाम्पल बना के आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर देते हैं. सर जी मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूं. मैं साल की सैलरी कमाता हूं 15 लाख पर एनम. जिस घर में मैं रहता हूँ आलिशान घर में रहता हूँ उस घर को ऑब्वियसली भाई साहब मैंने अगर अपनी मेहनत से बनाया है पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो मुझे बताओ आज के टाइम पे लोन लेना नॉर्मल बात है कि नहीं है प्रॉपर्टी पे. तो बेटा मैं इस घर में रह रहा हूँ और मान लो 1,50,000 का मेरा इंटरेस्ट जा रहा है. मेरा आपसे सवाल है मेरी GTI क्या आ जाएगी. और कोई इनकम नहीं है नो कैपिटल गेन नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. तेरा लाख 50,000 और ऐसे बेटे लाखों लोग हैं हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो लोग बहुत अच्छी सैलरी कमा रहे हैं 25-30 लाख कमा रहे हैं और उनका लोन जा रहा है लोन ले रखा है और इंटरेस्ट जा रहा है बट उनको कोई दिक्कत नहीं है कमाई तो आ रही है ना. मेरी सैलरी है सेम रख लेते हैं 15 लाख हाउस प्रॉपर्टी में. जरूरी नहीं है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की मैं बात करूं ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है वो कितने का आ रहा है. आ सकता है नहीं आ सकता बिल्कुल आ सकता है. लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 4 लाख का नुकसान नहीं आ सकता. आ सकता है ना. जी ठीक है. वो कितना बेटा 2 लाख. तो बिल्कुल सही बोला आपने. करेक्ट आंसर क्या आएगा 13 लाख. और जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस रह गया कितने का. इसको क्या करूंगा मैं. क्या तक समझ आएगा. थोड़ी सी और अंदर को चाहता हूँ डिटेल ताकि आपको पता लगे ये प्रोविजन किधर है. सैलरी है 50 लाख हाउस प्रॉपर्टी 1,6 लाख हाउस प्रॉपर्टी 2 5 लाख. सैलरी का मतलब 15 लाख. दो घर है एक घर पे 6 लाख का नुकसान है एक घर पे 5 लाख का प्रॉफिट है. तो इस पे भी लिमिट लगाई है क्या मैंने. ये जो लिमिट लगाई है मैंने हाँ भाई साहब एक एक वर्ड हीरे मोती समान है. मैंने क्या लिखा है. और वैसे भी मैंने इंटरहेड पे बात करी है. क्या मैंने इंटरहेड में बोला आपको कुछ. तो मुझे बता दो हाउस प्रॉपर्टी कितने का आएगा बच्चे. 1 लाख. और फाइनली GTI कितनी आ जाएगी. क्या आपको बात क्लियर है. अब मैं आपको बताता हूँ लोगों को क्या परेशान. बच्चे अगर मैं मान लो लोन लेता हूँ ना जैसे आपको एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ ठीक है. मान लो अगर मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा ठीक है. मान लो 1 करोड़ का घर है तो 1 करोड़ के ऊपर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलूं मान लो 8%
एक करोड़ का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल 8 लाख। ठीक है, आप मुझे बता दो 8 लाख का तो मेरा इंटरेस्ट है, आप मुझे बता दो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना किराया मिल रहा है। आज मेरे को अपने रहने के लिए नहीं चाहिए था, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ आराम से, एक घर भी है मेरे पास, उस घर में रह रहा हूँ। लेकिन बेटा जब पैसे आ जाते तो आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी परचेज करते हो ना। देखो ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मान लो मैं आज अपने घर में रह रहा हूँ बट मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं क्या करूँ, बैंक में रखूँ या प्रॉपर्टी खरीदूँ। तो मैंने को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आई, मैंने लोन लिया, साल भर का लोन कितना है, और मैंने इसको ना रेंट पे चढ़ा दिया। क्या लग रहा है आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना रेंट आता है महीने का? 30,000। रीजनेबल 30,000 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर महीने का 30,000 है इंटू 12 कितना आ गया, ऐसा मान लू ये इनकम हो गई। मोटा मोटी बात करूंगा, पूरे हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन नहीं करूंगा। इंटरेस्ट कितने का कह सकता हूँ, मोटा मोटी नुकसान कितने का, आप समझ रहे हो बात। और मैं तो सैलरीड एम्प्लॉई हूं, 15 लाख होता था पहले के जमाने में। क्या होता था बेटा, ये लाइनें थी नहीं, मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी सेट ऑफ कैन नॉट, ये लाइन नहीं थी 3-4 साल पहले आई है। तो पहले के जमाने में मेरा नुकसान कितना आया, आप सोच सकते हो। मैं ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रेस में तो हूं, हालांकि मेरा एसेट बन जाएगा, पर मेरे को इनकम कितनी आ रही है 360 और मैं पे कितना कर रहा हूँ। बट मैं ये सोच रहा हूँ अरे भाई 20 साल बाद एसेट भी तो बन जाएगा ना मेरा, और वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। और इनकम टैक्स में क्या रिलीफ होता था, ये 4.5 लाख किससे सेटअप हो जाएगा बेटे, सैलरी से। तो मेरी GTI कितने की आ जाएगी, टैक्स में तो सेविंग हो जाएगी। ऐसे लाखों लोग, 1 करोड़ का लोन कोई बड़ी बात है क्या, बहुत लोगों ने ले रखा है। लेकिन अब सरकार ने प्रोविजन डाल दिया, सरकार कहती कि तुम्हारा जो लॉस है ना दूसरे हेड से कितना सेटअप होगा सिर्फ। अब आप मुझे बता दीजिए, पहले तो 4.5 लाख 15 लाख से सेटअप हो जाता था, अब बेटा मैक्सिमम कितना सेटअप हो सकता है, तो अब कितना आ जाएगा ये 13 लाख। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, परेशान क्यों रहे हो, कितने रुपए का लॉस आप सेटअप नहीं कर पाए, तो कैरी फॉरवर्ड कर लो ना इसे। कैरी फॉरवर्ड करके क्या करो उसको, अगले साल भी सेम कहानी आनी है। अगले साल मेरे पास क्या, अगले साल दोबारा से मेरे को नुकसान ही आना, अगले साल फिर क्या कहानी होगी, फिर दोबारा ये रेंट इतना ही आया था 10-20 हज़ार ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये ऊपर आ जाएगा, 8 लाख का इंटरेस्ट जाएगा। अगले साल फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड, उस अगले साल फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड। अरे कोई बात नहीं सर, तो जब आपको कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन बताऊंगा ना, 8 साल के बाद वो लॉस अपने आप खत्म हो जाता है, आप जिंदगी भर लेके नहीं चलते उस लॉस को। आपको समझ आ रहा है कहाँ पे हिट हुआ ये चीज। जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय थे, आम आदमी था जिसने लोन उठा रखा था, जिसको एक तसल्ली होती थी कि मेरा जो लॉस है मैं सारा का सारा अपनी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी किसी से तो सेट ऑफ कर लूं, सैलरी या अदर सोर्स PGP किसी से तो कर लूं। सरकार ने बेटे वहां भी रोक लगा दी, सरकार ने बोला 2 लाख से ऊपर का सेट ऑफ नहीं, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लो, वो बोलने की बात है। मैं कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल की तो यही कहानी है, अगले साल की यही कहानी है, अगले साल, समझ रहे हो। बताइए क्या आपको समझ आया इस लाइन का इम्पैक्ट? यस सर। ठीक है, चलिए गुड। तो ये लिखी हुई भी बातें हैं सारी, ठीक है, बट अच्छा फ्लो चल रहा है। तो ठीक है सर जी, हाउस प्रॉपर्टी, तो कुल मिलाकर हाउस प्रॉपर्टी कितने हेड से सेटअप हो सकता है किसी से भी। अब आ जाइए PGBP। बेटा PGBP में कितनी कैटेगरी के लॉस हो सकते थे, या तो स्पेक्यूलेटिव या फिर, अब आप मुझे बता दीजिए, जिसको अपने घर में मदद नहीं मिलती क्या उसको दूसरे के घर में मदद मिलती है। आदित्य जी ऐसे डिपेंड करता है, अगर मैं हूं तो मैं तो ले लूंगा। हाँ बेटा, जिसको अगर अपने घर में ही हेल्प नहीं मिल रही थी
उसको बाहर वाला क्या हेल्प करेगा? कंक्लूडिंग स्पेक्युलेटिव बाहर से सेटअप होगा क्या? 3580 बाहर से सेटअप होगा क्या? नहीं होगा, नॉन स्पेक्युलेटिव होगा। और अगर नॉन स्पेक्युलेटिव होगा यानी कि नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस बाहर जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, बाहर जाना चाहिए। ये कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। बिजनेस वाला नुकसान सैलरी से सेट ऑफ चल देना भी है। नॉन स्पेक्युलेटिव हाउस प्रॉपर्टी पे जा सकता है, कैपिटल गेन जा सकता है, अदर्स जा सकता है, सैलरी का जा सकता है। कहिए क्लियर है? अगला हेड है जी कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में क्या कहानी होगी सर जी? बेटे कैपिटल गेन में सिंपल सी कहानी है, लॉस ऑफ कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। ओके ए भैया, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, अपने घर में बैठ रहे तू। कैपिटल गेन वाला कह रहा है मेरे हेड में नुकसान है, कोई हेल्प कर दो, क्या ये बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। कैपिटल गेन अपने ही हेड में रहेगा, अपने लॉसेस अगर नहीं हुए तो कैरी फॉरवर्ड करेगा, कल को इनकम आएगी तो ठीक है, नहीं तो बाहर नहीं जाने देंगे इसको। अदर सोर्स, देखो तुमको ये बात पता है कि लॉटरी तो वैसी बाहर नहीं जानी, रेस हॉर्स बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, रेस हॉर्स भी सिर्फ अपने ही हेड में किससे सेटअप होता है? रेस हॉर्स। इसके अलावा तो यहां पे ना मैं ऐसे लिख देता हूं, अदर देन लॉटरी और रेस हॉर्स, तो अदर सोर्स की मैं वो बात करूंगा। कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। अरे क्या बात, अदर सोर्स इतना फ्लेक्सिबल सर। अगर आपको नुकसान है अदर सोर्स के अंदर तो आप किसी के पास भी जा सकते हो। कहने से ये तो एकदम कैसा हो गया, जस्ट लाइक कौन सा हेड सबके पास जा रहा था बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बेटे इसको ये मत सोच लेना कि 2 लाख की लिमिट लगा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि अदर सोर्स मेरा किसी भी हेड के पास जा सकता है, चारों हेड के पास जा सकता है, बट ऐसा मतलब नहीं है कि मैं 2 लाख की लिमिट लगा रहा। क्लियर है बच्चे? तो बढ़िया है जी, काफी बातें बोल दी है मैंने। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आ जाओ, एक दो बातें और करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और दिमाग लगा के बोलना, इस पॉइंट पर आपका दिमाग लगेगा। आपको पता है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबल होती है? एग्जेम्प्ट। मुझे एग्रीकल्चरल इनकम हुई 6 लाख, ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम ना कहां टैक्सेबल होती है, चलो वो बताता हूं अभी। एग्रीकल्चर इनकम हुई, अभी उसके अंदर नहीं जाना मुझे, एग्रीकल्चर इनकम हुई 6 लाख की, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2 लाख, और एग्रीकल्चरल इनकम को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इट इज मेरा आपसे सवाल, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एग्रीकल्चरल इनकम से सेटअप करती नो पढ़ दूं? नो सही बोले आप एकदम। एक बात बताओ, जिस इनकम के ऊपर टैक्स से निल है उस इनकम को खत्म करके क्या कर लो? अब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? कौन सी बड़ी में सरकार कहीं जाओ कर लो, सरकार होगी ना आपको? आप खुश हो कि कंपनी के अंदर प्रोविजन लगा रखी है, हमने सेट ऑफ के प्रोविजन लगा दिए, सब देखो एग्रीकल्चर को कम कर दिया, गलत प्लानिंग है। तुम इस लॉस को उस इनकम से सेट ऑफ करो जिस पर टैक्स है भाई, इसके ऊपर टैक्स है क्या? तो कोई लॉजिक बनता है इसका सेटअप होने का? तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस शुड नॉट बी सेट ऑफ
फ्रॉम एग्जेम्प्ट इनकम एंड रीजन इज बिकॉज इट डज नॉट लीड टू एनी टैक्स बेनिफिट. बेटे बेनिफिट हो रहेगा तुमको, इसको चार्ज कर करके क्या बेनिफिट होगा, क्या ले लोगे बेटा, रिवर्स कर देता हूं. रिवर्स में क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 6 लाख की, एग्रीकल्चरल इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है वो कितने की है बेटा, आप करना चाहते हो, करना तो चाहते हैं सरकार करने देगी, सरकार कहेगी बहुत बड़ी तब मैं, जब सरकार तो बेटा टैक्स न्यूट्रल रहेगी ना, जब सरकार आप जब ये इनकम कमाते हो, कल को एग्रीकल्चर इनकम होगी, जब उस पर कभी कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है तो लॉस की वजह से क्या सरकार आपको बेनिफिट दे देगी कुछ, नो इट विल रिमेन टैक्स न्यूट्रल. ठीक है, तो गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स. एग्जेम्प्ट सोर्स में अगर आपका लॉस है तो वो अलाउ नहीं करती सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम. अरे भैया, गवर्नमेंट ना आपको कोई, ना आप पे चार्ज कर रही है, ना ही आपको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है. चले बेटा, अच्छा कवर कर लिया हमने, और अब आप क्या कर सकते हो, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 10.1 एक बार देखना समझ आ रहा है. अब जो हमने कर लिया हम उसके प्रोविजंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, 10.1 देख लो. हो गया ना पक्का से, हाँ सारे 10.2 भी हो गया. ये वाला देखना 10.3 मतलब कुछ से भी हो जाएंगे. अब मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ तुमको, हल्का फुल्का 10.3 कर लो बस. हाँ जी मैडम, हो गया सर, तो होमवर्क कीजिए ना सर, होमवर्क है बेटे, एक पॉइंट और बोलना और कोई बात नहीं फिर भी कर सकते हो, मतलब बोलने वाला पॉइंट नहीं है, बट 11.4 होमवर्क
सॉरी आई मीन 10.4 10.5 होमवर्क। बस एक बात बोलूंगा बस छोटी सी, क्योंकि वो लॉजिक लगेगा और वो समझ आना चाहिए। बेटा मेरा ना हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 1,00,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,00,000 के। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट कितना है? मैंने मतलब बताया नहीं, 20% है। वैसे तो अभी तक आपने सिर्फ स्लैब सिस्टम सीखा है, बट कुछ इनकम ऐसी होती है जिसपे स्पेशल रेट होता है। इस पे कितना परसेंट है? 20। और बेटे मेरी सैलरी है 40,00,000 की। मेरा आपसे सवाल है, मैं कौन से स्लैब पर आ रहा हूँ? मोटा मोटी 35 तो आ रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, तुम किससे सेटअप कर सकते हो? एलटीसीजी से कर सकते हो, कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इससे करना चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ओ भैया उस इनकम को खत्म करो ना जिसपे ज्यादा रेट है। फायदा तो उस इनकम को खत्म करने पे ज्यादा मिलेगा ना। और अगर यही मेरी सैलरी बहुत कम होती, मैं 5% के स्लैब पे आ रहा होता, तो किससे कर देता मैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉजिकल बात है ना बेटा। तो ये जो लॉस है इट शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम विच इज टैक्सेबल एट, मुझे बता दीजिए विच इज टैक्सेबल एट। क्यों सुना सही बात करती है इनकम, बताइए बच्चे यहां तक कोई दिक्कत? छा गए बेटा 10.4 तक कर लेना, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को नमस्ते कर देंगे। ठीक है 10.5 तक हो जाएगा बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए। और एक चीज, कब से स्टार्ट करेंगे जो है? हाँ जुनैद, अभी कॉलेज की छुट्टियां हैं? यस सर, लास्ट। ठीक है, सारे कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां है ना अभी? चलो अब मैं जो टाइम दूंगा नेक्स्ट वीक को आ जाओगे ना उसमें? ठीक है यस सर, आ जाएंगे। अगले हफ्ते मजे करेंगे बहुत ज्यादा। ऑडिट की होती है हमारी, वो मैं तुम्हें बुला दूंगा, 8-9 की बुलाऊंगा। ठीक है, अगले हफ्ते चिल करेंगे बहुत सारा। ठीक है बच्चों, चलो इतना रखते हैं। अकाउंट कब से स्टार्ट होगा सर? अकाउंट बस स्टार्ट हो गया, बस तुमने बोला अगले हफ्ते देखा है सर, आपने इस हफ्ते बोला था उसके बाद नहीं। अभी ना यार सैलरी चल रहा है यार, वो इतना ज्यादा हो जाएगा। कुछ बच्चों का ना मॉर्निंग इवनिंग दोनों चल रहा है, तो नहीं तो उनके एक दिन में चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारी अकाउंट्स। ठीक है, और कॉलेज की अगर छुट्टी है ना जिन बच्चों की, अब छुट्टियां हो गई है तो आज शाम को भी आ जाओ, आज शाम को आ जाओ आप 2:30 to 4, 2:30 to 4 आ जाओ। कल से सर, कल से, तो आज छुट्टी ले ले। आज अकाउंट्स में नया टॉपिक कराओगे क्या? मतलब हाँ जी मैडम, आज नया जैसा ही है, स्टॉक के बाद अभी उसी के अंदर ही है पर अनरिलेटेड है। ठीक है बच्चे, चलो। और बच्चों इंस्टीट्यूट आया करो, मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन में आराम तो होता है, बाद में पता लगता है बेटा। इंस्टीट्यूट विजिट करा करो सारे। ठीक है चलो, ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय बच्चों।